ये पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला होगा, टॉस करा रहे हैं हमारे रेफरी। हमारे मैच स्टार्ट नंबर 6 के जर्सी के साथ इस समय कवर्धा किंग्स इस मुकाबले का पहला रेड के साथ और चर्चित चेहरा चर्चित नाम उमेश सिदार गोविंदा सिदार उनके नाम ज्यादा चले हैं इस कबड्डी के क्षेत्र में और इस मुकाबले का पहला रेड ये देखिए अंक बनाने के सिलसिले की शुरुआत ऑफिसियलों की पहले ही रेड पर अंक बनाने के सिलसिले की शुरुआत कर ली है इस समय। दूसरी ओर महासमुंद नंबर 1 की जर्सी के साथ लेफ्ट रेडर को आजमा रहा है अपने पाले का पहला रेड और इस मुकाबले का दूसरा रेड के साथ। अंत में वो मुआयना किया कि कोर्ट में किस तरह से डिफेंस को सजा करके रखा है महासमुंद रेडर ने और कहीं जाकर के वो खाली खींचा। दूसरी ओर उमेश सिंह सिदार और बोनस के लिए का टाइम साथ ही साथ सरपट तरीके से बढ़ती नजर आ रही है। 0 और 3 के मुकाबले पहले अंक की तलाश इस समय महासमुंद को है। क्या इस रेड के जरिए पहला अंक सुनिश्चित कर जाएगा नंबर 7 के जर्सी के साथ नंबर 7 के जर्सी के साथ ऊंचे लंबे कट के रेडर लेफ्ट रेडर है और बोनस का प्रयास जरूर रहा है एक झुटलाने वाली बोनस लेकिन ये देखिए डिफेंस कवर से निकल करके आए और कवर से निकलने के साथ साथ वो चले मुकाबला। पहले अंक की तलाश अभी भी है अजय मरावी स्ट्रगल के ऊपर नंबर 7 के जर्सी के साथ लेफ्ट रेडर अजय मरावी पहले अंक की तलाश अभी भी महासमुंद को है। 4 का डिफेंस है और अजय कुमार के लिए बोनस ऑफ है पैर से स्वीप किया कॉर्नर इनके ऊपर लेकिन सफलता हाथ लगी नहीं है। 4 का डिफेंस है और डिफेंस को एक मरतबा दूर धकेला पीछे धकेला धकेलने के साथ अपने घर खींचने की तैयारी में अजय कुमार मरावी। दूसरी ओर इस समय महासमुंद नंबर 6 के जर्सी के साथ जहां पहले अंक की तलाश है महासमुंद को पहले अंक की तलाश क्या इस रेड के जरिए पूरा कर जाएगा। दूसरी ओर 7 खिलाड़ियों को हाउसफुल मैदान कवर्धा किंग्स का और यहां से अंत में खाली खींचा सुरक्षित ढंग से शुरुआत का ही क्षण है 15 मिनट का पहले हाफ का खेल और गोविंदा सिदार ही निकले। 4 का डिफेंस है और डिफेंस कम हो मैदान के ऊपर तो थोड़ी सी मुश्किल जरूर होती है और वही हुआ इस मरतबा गोविंदा सिदार का शिकार निश्चित कर लिया डिफेंस महासमुंद काफी देर से ही किया लेकिन अंक बनाने की सिलसिले की शुरुआत कर ली है महासमुंद। तो 4 और 1 के मुकाबले 3 अंकों की लीड अभी भी है इस समय कवर्धा किंग के पास। महासमुंद महज 1 अंक के साथ इस समय स्ट्रगल के ऊपर है राइट रेडर को आजमा रहा है और इस समय 6 का डिफेंस है कोर्ट के ऊपर कवर्धा किंग्स पर। दूसरी ओर अजय कुमार मरावी नंबर 7 के जर्सी के साथ हरफन मौला खिलाड़ी है अजय मरावी युवा कबड्डी सीरीज के और डू आर डाई स्पेशलिस्ट भी हैं अजय कुमार। बहरहाल इस समय वो जोखिम इतना कतई पसंद नहीं कर रहे उनकी टीम इस समय लीड पर नजर डू आर डाई का रेड थर्ड रेड हर हाल में रेडर को अंक चाहिए और डायरा 30 सेकंड का ये देखिए एक अंक सहेजा अपने पाले में। तो 5 और 1 के मुकाबले 4 अंकों की लीड अभी भी है अजय मरावी के पास कवर्धा किंग्स पास और दूसरी ओर 4 का ही डिफेंस है। ये देखिए एक लंबा सा टच लिया कॉर्नर इन के ऊपर और सफलता भी हाथ लगी ऑफिशियली तौर पे उसको पुख्ता भी किया महत्वपूर्ण रूप से। तो 6 पर पहुंचा इस समय कवर्धा किंग्स की टीम 6 और 1 के मुकाबले 5 अंकों की लीड वो है कवर्धा किंग्स पास। 7 खिलाड़ियों का हाउसफुल मैदान है राइट कॉर्नर पर राइट कॉर्नर से कवर के ऊपर फिंगर चलाया बड़ी तेजी के साथ और फिंगर चलाते ही टच का अंक सुनिश्चित हो चला है महत्वपूर्ण रूप से। इस टच के सहारे दूसरे अंक पर पहुंचा महासमुंद की टीम। दूसरी ओर अजय कुमार मरावी और 4 का डिफेंस लगातार सहेज के रखा है काफी लंबे समय से और वो दो दो की चेन बंदी को तोड़ना होगा तब कहीं जाकर के बात बनेगी अजय अजय कुमार मरावी के लिए।
लेफ्ट रेडर है, पैर से स्विप किया कॉर्नर इनके पास और अभी भी सफलता हाथ लगी नहीं है। अंत में धूप कॉर्नर को पीछे धकेलने के साथ 30 सेकंड के ऊपर निगाहें घुमाई और अपने घर सुनिश्चित खींचा सुरक्षित ढंग से। दूसरी ओर हिमांशु यादव नंबर एक के जर्सी के साथ करके आए, लेकिन इस मरतबा घेराबंदी टूट गई है। घेराबंदी जहां टूटे कितने अंकों का नुकसान हो चलेगा यहां से कवर्धा किंग्स को। आसमानी वो तीन उंगलियां सुनिश्चित हो रही है, आसमान की ओर तीन उंगलियां और 5-6 के मुकाबले एक अंक की लीड ही रह चली है। ध्यान जरूर आए बड़ी दूर से और जिस तरह से सेंटर लाइन के करीब इस तरह का टेकल थोड़ी सी नुकसानदेह साबित होता जरूर है और वही हुआ रेहान के लिए। दूसरी ओर गोविंदा सिदार एक अंक की लीड के साथ स्ट्रगल के ऊपर अब कहीं जाकर के 7 खिलाड़ी कोर्ट के ऊपर है। महासमुंद एडवांस टेकल, इस तरह के टेकल से बचना होगा महासमुंद के डिफेंस को। बताइए इस तरह का डिफेंस करने से बचना होगा तब कहीं जाकर के बात बनेगी। एक छोर से हालांकि रेहान से गलती हुई है, लेकिन उससे पिछले जितने भी टेकल हमने देखे हो सार्थक किया अपने कोर्ट के ऊपर। तो इस तरह के वो टेकल भी देखने को मिलते हैं और कहते ही एक टेकल और लिया महत्वपूर्ण रूप से। 5 के मुकाबले 3 अंकों की लीड है इस समय अभी भी कवर्धा किंग्स के पास। अजय कुमार मरावी अंकों की लेवल अंक तक आना है तो अजय कुमार मरावी का शिकार सुनिश्चित करने होंगे। कुछ देर पवेलियन का रास्ता दिखा जाते हैं तो मौके बनेंगे, साथ ही साथ गोविंदा सिदार का शिकार सुनिश्चित करने होंगे, मौके बनेंगे। अब दोनों रेडर एक दूसरे के पूरक हैं और वो कमी को भरपाई करने में माहिर है अपने टीम के लिए। तो 8-5 के मुकाबले 3 अंकों की लीड के साथ इस समय डिफेंस पर है कवर्धा किंग्स की टीम। महासमुंद प्रहार के ऊपर राइट रेडर के साथ वो 3 अंकों की लीड बनी हुई है शुरुआत से। हालांकि तो थोड़ा धीमा शुरुआत किया शुरुआत के क्षण में, लेकिन फासले कोई खास फासला है नहीं, कोई लंबी स्पेस है नहीं, वो तो कभी भी भरा जा सकता है, लेकिन उसके लिए एक रणनीति चाहिए तब कहीं जाकर के बात बनेगी। उमेश सिंह सिदार और गोविंदा सिदार नंबर 6 के जर्सी के साथ, ये देखिए एक मरतबा फिर से सहयोग से सार्थक हो पाता टेकल, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अंत में सिंगल टेकल और उमेश सिंह सिदार जी को इस तरह का सिंगल टेकल मुनासिब होगा नहीं और अंक का नुकसान जरूर हुआ महासमुंद के लिए। दूसरी ओर खाली भी खींचा महासमुंद तो अंक के साथ खींचने होंगे, अंक के साथ अपने घर सुनिश्चित करने होंगे। दो दो की चेन बंदी है इस समय और उस चेन बंदी के साथ ये देखिए एक चेन बंदी फिर से टूट गई नहीं। दो अढ़ाई का रेड वैभव नेताम नंबर 7 के जर्सी के साथ लेफ्ट रेडर है, ऊंचे लंबे कट के हैं, लैग चलाया जरूर, 30 सेकंड का दायरा है और उस दायरे के साथ अंक साथ में सुनिश्चित करने होंगे तब कहीं जाकर के बात बनेगी। अब यहां से वो टच का दावा है वैभव नेताम का, लेकिन उस स्थिति में उनका रास्ता दिखाया जाता है, बोनस भी अवेलेबल रहा, लेकिन वैभव नेताम को लगा कि मैंने टच किया है, जिसके फलस्वरूप उसने खाली खींचा सुरक्षित ढंग से। ये देखिए दो धंधों पर जा रही है, ऑल आउट पर जा रही है टीम महासमुंद की। फासला बना हुआ इस समय 10 अंकों की लीड के साथ इस समय डिफेंस पर है 7 खिलाड़ियों का खास पूल मजबा। यहां से लगातार जिस तरीके से अंक को सहेज करके रखा है एक छोर से कवर्धा किंग्स की टीम, वो देखते ही बना है। हिमांशु यादव को ये चाहिए कि वो उनकी अंक इस तरह से भरपाई करे, साथ ही साथ जिस तरह का डिफेंस की और साझेदारी है उसको कहां कमजोर कड़ी है उसको तोड़ करके कैसे रखना है, निगाहें डाल करके रखे। तो यहां से वो लगातार एक नई रणनीति के साथ आने वाले जो समय है उसमें जो खेल आएंगे एक अच्छे परिवर्तन के साथ, नई ओज के साथ, नई ऊर्जा के साथ में वापसी करने का प्रयास करें जहां उनकी टीम इस समय पिछड़ रही है। हालांकि पहले हाफ का खेल अभी भी
आने को है अजय कुमार मरावे स्ट्रगल के ऊपर। बढ़त है उनके पास, एक लंबा सा स्ट्रैच खींचने का प्रयास रहा है कवर के ऊपर, दो टच का पैर से स्वीप किया लेकिन सफलता हाथ लगी नहीं। अब बोनस का अंक के साथ अपने घर सुनिश्चित खींचा महत्वपूर्ण रूप से, इस बोनस के साथ 16वें अंक पर पहुंचा कवर्धा किंग्स। अब यहां से वो लगातार एम्प्टी रेड खींचना वैभव नेताम का कितने हद तक सार्थक साबित होगा इस मुकाबले में, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल वो बोनस के भी अंक मिलते वैभव को, क्योंकि हाउसफुल मैदान है इस समय कवर्धा किंग्स का, वो फायदा भी देने की आवश्यकता होगी। एक अंक ही सुनिश्चित हो रहे हैं, दो अढ़ाई को रेड, हर हाल में रेडर को अंक चाहिए। ये देखिए यहां से एक मरतबा सफलता जरूर हाथ लगी है, अजय मरावी का ही शिकार सुनिश्चित कर लिया महत्वपूर्ण रूप से, तो पांच से बढ़कर छह जरूर हुआ है। लेकिन जिस तरह का फासला नजर आ रहा है इस समय 11 अंकों का महत्वपूर्ण रूप से, उस 11 अंकों की लीड पहले हाफ में लेकर के चल रहा है कवर्धा किंग्स की टीम। उमेश सिंह सिद्धार्थ नंबर 6 के जर्सी के साथ राइट की ओर रेडर है, जहां 7 खिलाड़ियों का हाउसफुल मैदान है इस समय, और लगातार उन्होंने शुरुआत से अंक जुटाया अपने टीम के लिए, लगातार अंक को लेकर के चल रहे हैं। कोई ऐसा नहीं होगा उमेश सिदार का, जहां वो खाली अंक के साथ अपने घर सुनिश्चित किए हो, ऐसी कोई रेड है नहीं इस मुकाबले में। हिमांशु को चाहिए जिस तरह से समय गुजर रहा है, गुजरते समय के साथ उस अंकों को लीड जो है अंकों की, उसको ले करके उस अंक के साथ में समय की जो गणना है उसके हिसाब से अंकों की जो तालमेल है उसको बिठा कर रखने की आवश्यकता होगी। रेहान नंबर 4 के जर्सी के साथ बढ़त है उनके पास 18 और 6 के मुकाबले, तो 12 अंकों की लीड है, एक दर्जन अंक की लीड लेकर के चल रहा है इस समय कवर्धा किंग्स की टीम। दूसरी ओर महासमुंद की धीमी शुरुआत शुरुआत से ही रही है, मुकाबले की शुरुआती क्षण से ही रही है, लेकिन इस मरतबा ये देखने वाली बात होगी सेंटर लाइन के करीब है, आसमानी 4 उंगलियां सुनिश्चित, 10 पर आ चला है महासमुंद का अंक, तो 10-18 के मुकाबले 8 अंकों की लीड अभी भी है। उमेश सिंह सिदार इस समय स्ट्रगल के ऊपर है, राइट के रेडर है, और काफी अंक भी जुटाया है अपने टीम के लिए महत्वपूर्ण रूप से। सहेज करके रखा है उमेश कुमार ने बोनस का अंक कवर्धा किंग्स के लिए, गोविंदा सिदार वो अंक के साथ सुनिश्चित खींचा सुरक्षित ढंग से। दूसरी ओर सुपर टैकल का मौका, और सुपर टैकल का कामयाब कर लिया है, कोच के ऊपर सार्थक कर लिया, ड्राइव के साथ एंगल पर आए उमेश सिंह, और कैच को अभी भी प्रयास है रेडर का, उपस्थापना चल रही है डिफेंस और ऑफेंस के विरुद्ध। अंत में पहुंचा कवर्धा किंग्स 21 पर और ठहरे स्कोर के साथ में महासमुंद पर। ध्यान दे, हाफ टाइम कंप्लीट हो चुके हैं, कृपया कोच चेंज कर ले। 21 और 10 के मुकाबले अंतिम सेकंड का खेल है पहले हाफ की समाप्ति के लिए, और इसी के साथ 21-10 के मुकाबले पहले हाफ का खेल संपन्न हो रहा है। उन यादों को हाफ टाइम से मैच स्टार्ट हो गया है कर रहे हैं आप जब कभी भी यूट्यूब के माध्यम से 9वां संस्करण का मुकाबला देखना चाहेंगे यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं। बहरहाल दूसरे हाफ की खेल की शुरुआत हो चली है इस समय, 21 और 10 के मुकाबले पहला रेड खाली खींचा, दूसरे हाफ का पहला रेड महासमुंद की ओर से। उमेश कुमार सिदार नंबर 6 के जर्सी के साथ राइट की ओर रेडर है, 6 का डिफेंस है इस समय कोर्ट के ऊपर, और एक मरतबा फिर से फिंगर टच का प्रयास रहा है उमेश का, लेकिन सफलता हाथ लगी नहीं है। 21 और 10 के मुकाबले यहां से अंकों की जिस तरह से जरूरत है दूसरे हाफ के खेल में, और ये मौका है, डिफेंस कम है और एक एक करके कहीं मैदान खाली कर जाती है तो मौके बनेंगे यहां से।
महत्वपूर्ण रूप से। तो 11-21 के मुकाबले अजय कुमार, वॉक लाइन पूरा किया, रेड को सर्टिफाई किया अजय कुमार, अंत में कवर बीचों बीच गया, दूर कॉर्नर से पहले कॉर्नर इनके पास एक बोनस का रनिंग बोनस का अटेम्प्ट जरूर लिया, लेकिन क्या वो साफ सुथरे तरीके से सही मायने में बोनस का अटेम्प्ट लिया है अजय कुमार ने, बोनस का अंक सुनिश्चित हो गया, हम अब कई सारा अंगूठे का निशान सुनिश्चित हो रहा है इस समय ऑफिसलों की, और अजय कुमार की जो अंक सुनिश्चित हो गया ये देखिए यहाँ से सुनिश्चित हो चली है। इस समय 6 अंकों की लीड अभी भी है कवर्धा किंग्स के पास। अजय कुमार मरावी ड्राइव करके कवर को फिंगर टच में लेने का प्रयास रहा, ये देखिए वॉक लाइन के ऊपर से इस तरह के दूसरी ओर वैभव नेताम नंबर 7 के जर्सी के साथ महासमुंद, जहां 7 खिलाड़ियों का हाउसफुल मैदान है, और बोनस का अंक के साथ सुनिश्चित किया बड़ी तेजी के साथ, और जिस तरह से वो पीछा कर रही है अंकों का महत्वपूर्ण समय अभी भी आएंगे, और उस समय के साथ खेल कहीं खेल जाती है महासमुंद, वो अच्छी वापसी भी कर सकती है, ऐसा नहीं है, वो थोड़ी सी हड़बड़ाहट से भी बचना होगा महासमुंद को, तब कहीं जा करके बात बनेगी, ये देखिए और बोनस प्लस 2 पॉइंट का इशारा हो रहा है, बोनस प्लस 2 पॉइंट का इशारा, बोनस प्लस 2 पॉइंट का इशारा हुआ, और टीम पहुंचा इस समय कवर्धा किंग का 26-17 के मुकाबले, और यहां से बोनस का एक अटेम्प्ट प्रयास जरूर रहा है, लेकिन बखूबी जानते हैं वैभव कि कट और स्लिप के बोनस सुनिश्चित किए नहीं जाते, और वही हिदायत हुई है ऑफिशियलों की। दूसरी ओर 4 का डिफेंस एक मरतबा फिर से खतरा मंडराने चला है महासमुंद के पास, एक अच्छी भरपाई रही है, अच्छी वापसी का प्रयास जरूर रहा है महासमुंद का, अंत में डिफेंस को पवेलियन का रास्ता दिखाया, हिमांशु यादव को पवेलियन का रास्ता दिखाया जा रहा है इस समय ऑफिशियलों से, महत्वपूर्ण रूप से उमेश कुमार सिदार फिंगर टच किया, दावा किया महत्वपूर्ण, और दावा उनकी सफलता भी हाथ लगी है, ऑफिशियलों ने पुख्ता भी किया। दूसरी ओर लगातार पीछे पा रही है, यहां से ढाई के फासले में एक अंक फासले का बल जोड़ करके रखा, वैभव ने राम को पवेलियन का रास्ता दिखाया, और एक मरतबा इस समय वो ऑल आउट के दहलीज पर खड़ी हुई है, धन्नु एक छोर पर और 2 डिफेंडर है, सुपर टेकल का मौका है गोविंदा सिदार का, कहीं सुपर टेकल कर जाती है तो इकट्ठे 2 अंक निकल करके आएंगे, लेकिन क्या ऐसा कुछ हो जाएगा गोविंदा सिदार का, क्या वो टेकल सार्थक होगा कोर्ट के ऊपर, महत्वपूर्ण टेकल को पूरा किया डिफेंस महासमुंद ने। तो 28-19 के मुकाबले मनेंद्र नंबर 6 के जर्सी के साथ अभी भी समय है उस वापसी के लिए, और गोविंदा सिदार पवेलियन पर विश्राम कर रहे हैं कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन जितने देर बाहर रहेंगे गोविंदा सिदार उतनी ही अच्छी खबर होगी महासमुंद के लिए। 28-29 के मुकाबले अजय कुमार मरावी नंबर 7 के जर्सी के साथ अजय कुमार इस समय, और सुपर टेकल का मौका है महासमुंद के लिए, एक सुपर टेकल कहीं और अजमा जाती है तो मौके बनेंगे अजय कुमार को कुछ देर के लिए ही सही, जिस तरह से उमेश सिदार जी का शिकार सुनिश्चित किया है, लेकिन उमेश सिदार जी का शिकार जरूर सुनिश्चित किया, अजय मरावी का शिकार छूट गया इस समय कोर्ट के ऊपर, और शिकार छूटने के साथ उमेश सिंह सिदार जी का रिवाइवल मुनेंद्र नंबर 6 के जर्सी के साथ, रेहान के जो कॉर्नर इन के साथ अजय मरावी है, अब वो आते वो पैर से स्विप किया, काफी अंदर गए, रेहान को पीछे धकेलने के साथ लेग भी चलाया, अंततः खाली खींचा सुरक्षित ढंग से, लेकिन वो खतरा अभी भी टला है नहीं, खतरा अभी भी बना हुआ है, वो ऑल आउट का खतरा है। यहां से अजय कुमार मरावी है, पिछले रेड के ऊपर उन्होंने टच का अंक सुनिश्चित किया है, एक मरतबा क्या फिर से टच का अंक सुनिश्चित हो रहा है, अब यहां से
अजय कुमार एक अंक सुनिश्चित किया। अंतिम खिलाड़ी नंबर 12 को इन किया अजीत कुमार को, रनों को आउट किया। बोनस का एक अटेम्प्ट जरूर लिया है रनिंग बोनस का, कॉर्नर कॉर्नर इनके सर के नीचे से, लेकिन क्या सफलता हाथ लगेगी यहां से अजीत का। अंदर गए कवर के बीचों बीच फिंगर चलाया, करो को पीछे धकेला, लेकिन एक बार दबाव ये देखिए कवर पे खिला दिया है और मन टेकल करके दिया। बोनस का अंक जाए, साथ ही साथ अजय मराबी को पहले अंक का रास्ता दिखा जाए तो कुछ हद तक मौके बनेंगे जरूर, अन्यथा जिस तरह से अपने इरादे के ऊपर वो कामयाब होती नजर आ रही है टीम। कवर रख दूसरी ओर वैभव नेताम को चलना होगा, तब कहीं जाकर के बात बनेगी। अब चलेंगे कब, जब भी फैंस चलने देगा तब, लेकिन एक मरतबा एक टच का अंक सुनिश्चित हो रहा है महत्वपूर्ण रूप से। कॉर्नर के अंदर हेमचंद को पहले अंक का रास्ता दिखाया जा रहा है और ऑफिशियल टाइम आउट का बुलावा। किया और उसके लिए दो अंक निकल करके आया 22 और 34 के मुकाबले, 22 और 34 के मुकाबले। उमेश सिंह सिदार इस समय अपने राइट कॉर्नर पर, टीम के लेफ्ट कॉर्नर से, जहां 7 खिलाड़ियों का हाउसफुल मैदान है और बोनस स्पेशलिस्ट भी है और गोविंदा सिदार के नाम से चर्चित भी है कबड्डी के क्षेत्र में। अंत में खाली खींचा, बढ़त इस समय वो सहेज करके रखे हैं एक अच्छे रणनीति के साथ में। तो ये कहीं जा करके अंकों की लीड जो बना करके रखा है, वैभव नेताम को चाहिए कुछ अंकों को किस तरह से भरपाई करे, कौन सा कड़ी और कमजोर है डिफेंस का इस समय है। कवर था किंग्स का, वो कड़ी के ऊपर निगाहें होनी चाहिए, तब कहीं जा करके बात बनेगी, तब अंकों की वो लीड जो है उसमें अंकुश लग पाएगा, अन्यथा अपने इरादे के ऊपर सफल होती नजर आ रही है एक छोर से कवर था किंग्स की वो टीम। तो यहां से 34 और 22 के मुकाबले में समय जिस तरह से गुजर रहा है, प्रयास अब कहीं जाकर के डिफेंस काम करने का प्रयास किया, कवर के बीचों बीच बाक लाइन के ऊपर एक अच्छे टेकल करके दिया उमेश सिदार को। महासमुंद टाइम आउट बुला लिया है, आने वाले जो समय है उसमें किस तरह से मुकाबला खेल जाएगा, जो फासला है इस समय 22 और 34 के मुकाबले, सॉरी 23 और 34 के मुकाबले, माफ कीजिएगा। तो यहां से एक अच्छी रणनीति क्या कोच की समझाइश ये होगी महासमुंद के लिए। वैभव नेताम और ये मौका है, 4 का डिफेंस है और केवल डिफेंस ही है इस समय, अच्छी रणनीति के साथ, अच्छे साझेदारी के साथ में, अच्छी समीकरण के साथ जरूर प्रयास किया। और इस मरतबा रेहान को क्या पॉलियन का रास्ता दिखाया जा रहा है और ऑफिशियली तौर पर उसको पुख्ता भी किया, बड़े गहराई में जाकर टच का अंक सुनिश्चित किया। वैभव नेताम ने वो काम करके दिया। अजय कुमार मराबी समय कोर्ट से बाहर है, लेकिन वो कुछ हद तक एक अच्छे अंतिम 5 मिनट का इशारा भी हो रहा है इस समय। 34 और 24 के मुकाबले दहाई का फासला अभी भी बना हुआ है, तो अजय कुमार मराबी बाहर है इस समय, उमेश सिंह सिदार जी बाहर है कोर्ट से, तो यही मौका है, वो इस तरह से भुना जाती है महासमुंद। ये मौका कहीं चूक जाती है तो मुसीबत में फंस जाएगा, लेकिन ये देखिए वो ऑल आउट पर जा रही है क्या टीम। मुकाबले रणनीति काम में आई है यहाँ, कवर द किंग्स 3 out 18। भाई सोनू साहू
बेटी कबड्डी स्कोर लेडी के पास है और केबल के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे, बार बार हिल रहा है। और यहां से अब कहीं जाकर ऑल आउट के बाद ऑल इन हो रही है पूरी टीम। ऑल इन के बाद अजय कुमार इस स्ट्रगल के ऊपर और वो सात खिलाड़ियों का हाउसफुल मैदान एक बार दबा फिर से। बोनस को अजय कुमार के लिए महत्वपूर्ण रूप से एक अंक और सहेजा, 35 पर पहुंचा इस समय। कवर द किंग्स की टीम महासमुंद 29 पर। तो यहां से वो लगातार एक छोर पर महासमुंद से हम यूं कहें हिमांशु यादव की बात करें और वैभव नेताम को, इन दोनों को चलना होगा तब कहीं जाकर के बात बनेगी। जिस तरह से गुजर रहा है समय समय के साथ वो हिदायत भी हो रही है कि आपको कोचिंग करना है तो आप टाइम आउट बुला लें, कुछ इस तरह की हिदायत रही है। और खेल के समय आप किसी प्रकार का प्रदर्शन न दें, कोचिंग न करें, ये ऑफिशियलों की हिदायत रही है। दूसरी ओर 25 और 29 के मुकाबले लगातार उस अंकों के उन लीड को सहेज करके रखा है, बरकरार रखा है। तो 36 और 29 के मुकाबले लीड इस समय 7 अंकों का है। उमेश कुमार सिदार का कॉर्नर और वैभव नेताम लगातार स्ट्रगल के ऊपर, बोनस का अंक एक अच्छे रणनीति के मैच समाप्त होने के लिए 3 मिनट समय शेष बचे हैं। अंतिम 3 मिनट का इशारा भी हो रहा है और इस समय 6 अंकों की लीड है। हेलो, अगले क्वार्टर फाइनल मैच के लिए गोकुल पुकार देवरानी राय बलौदा बाजार वर्सेस भिलाई स्कूल, दोनों ही टीमें तैयारी पूर्ण कर रखे। सेकेंड क्वार्टर फाइनल मैच के लिए अजय कुमार मरावी को रोकने का प्रयास रहा सेंटर लाइन पर, रोक करके रखा जरूर, लेकिन 1-1 का इशारा आया। और दूसरी ओर महासमुंद के लिए बोनस का इशारा, उमेश सिंह सिदार ही निकल रहे हैं इस समय स्ट्रगल के ऊपर। तो 37 और 32 के मुकाबले 5 अंकों की लीड है और समझ जिस तरह से गुजर रहा है, मैच 2 मिनट और 15 सेकेंड का खेल ही रह गया है। यहां से डिफेंस किस तरह से खेल जाएगा ये देखने वाली बात होगी। डिफेंस को अपने सूझबूझ का परिचय देना होगा तब कहीं जाकर के बात बनेगी। टाइम आउट बुला लिया इस बीच कवर द किंग्स। टाइम आउट के बाद एक बार फिर से खेल आरंभ हो चला है 32 और 38 के मुकाबले। अंतिम 2 मिनट का इशारा भी हो रहा है, वैभव नेताम है इस समय स्ट्रगल के ऊपर और बोनस का अंक रनिंग बोनस का बड़ी तेजी के साथ पूरा किया। दूसरी ओर उमेश सिदार उनके पास वो बढ़त है और कतई जोखिम लेना पसंद नहीं कर रहे हैं। 30 सेकंड वॉक लाइन पूरा करेंगे और 30 सेकंड तक वो हिलते डुलते रहेंगे महासमुंद के कोर्ट के ऊपर और वही वो करके दे रहे हैं उमेश सिंह सिदार। बढ़त भी है उनके पास, जो जोखिम लेना है जितनी जल्दी प्रयास करना है वो महासमुंद के लिए है, लेकिन जाते जाते ही सही उमेश सिदार ने कहा कि खाली हाथ हम जा नहीं सकते, लौट नहीं सकते, हम अंक के साथ ही जाएंगे और वो अंक सुनिश्चित किया 39 और 33 के मुकाबले। लगातार वो अंक बटोर करके रखा, एक ये इस तरह का प्रयास कुछ समय पहले आपके खेल से कुछ इस तरह का खेल में बदलाव होता तो रिजल्ट कुछ अलग होता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। पहले आपकी खेल को देखें तो थोड़ी सी धीमी शुरुआत रही है शुरुआत में और शुरुआत से पहले आपके अंतिम समय तक का कुछ खेल लगातार है। अंतिम 1 मिनट का इशारा भी हो रहा है 41 और 33 के मुकाबले इस समय अजीत कुमार नंबर 12 की जर्सी के साथ और बोनस लाइन खुला छोड़ दिया है और ये देखिए बोनस प्लस पॉइंट का इशारा हो रहा है। 2 अंक निकल करके आ रहे हैं, 2 अंक निकल करके आए इस रेड के ऊपर। तो 41 और 35 के मुकाबले लीड 6 अंकों का है, अंतिम सेकेंडों का खेल इस समय और उमेश सिदार स्ट्रगल के ऊपर। 30 सेकेंड का पूरा दायरा लेकर के चलेंगे और
30 सेकंड के ऊपर ही निगाहें हैं उनकी। अजीत कुमार 41-35 के मुकाबले अंतिम रेट की संभावना बनी हुई है। इस रेट के साथ मैच संपन्न भी हो चलेगा। और प्रयान ने कहा कि एक अंक लेते चलो, और अपना अंक सुनिश्चित किया महत्वपूर्ण रूप से। प्लेयर इन, प्लेयर इन। 41 मुकाबले, ये मुकाबला यही संपन्न हो रहा है। महत्वपूर्ण टेबल पर जयसवाल सर जी को स्वागत है।